बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम तारीफ़ें रब और रब के महबूब की हैं। शुक्र है उस्ताद का जो तमाम जहानों का खालिक मालिक राज़िक है। मेरा भाई अली अमीन गंडापुर की तरबियत को सलाम है, इसकी असमत को सलाम है, इसकी शुजात और जुर्रत को सलाम है। जनूबी अजला जिसका कोई वाली वारिस नहीं था, जिसको हर दौर में बुनियाद से दूर रखा गया, इसीलिए आज नॉर्थ साउथ वज़ीरिस्तान, इसीलिए आज कोरम एजेंसी और एग्जई एजेंसी, इसीलिए डीआई खान, टांग, लकी, बनू, करक, कोहाट, हंगू, ये हमेशा आजमाइश में रहे हैं। और इन आजमाइश की घड़ियों में जब जुल्म हद से बढ़ गया, रियासती जबर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़े और पाकिस्तान की सियासत के नाम निहाल वो डेमोक्रेट्स जो अपने आप को कुछ समझते थे, उनको भी आपने देखा कि वो कैसे झुके, कैसे उनकी कीमतें लगी। लेकिन मेरी इस भाई ने जो हमारी पख डेबू शबला, हमारी गैरत, हमारी अजमत को अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार रखा है, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से, जनूबी असला की तरफ से अपने भाई की इस शुजात, इस बहादुरी पे इसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और मेरे पाकिस्तानियों, ये वो कौम का बेटा है जो कि आम घर में पैदा होने के बाद तमाम सहूलियात, ये जो सोबतें हैं, ये तो फिर जिनका होने का यकीन अल्लाह से हो और जो अल्लाह के महबूब के आल के मानने वाले हों, वो सिर्फ रब के सिवा किसी और के आगे ना झुकते हैं ना उनकी कीमत लगती है। लेकिन एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि कौन सा ऐसा अरबा नहीं हुआ होगा इन पे कि जिससे इनको झुकाया जा सके, डराया जा सके, इनको चुप कराया जा सके। लेकिन ये मेरा मैसेज है यहाँ के नाम निहाद जो दीन के ठेकेदार हैं कि इंशाल्लाह तुम लोगों की सियासतें ख़त्म हैं। और वो तमाम लोग जो किसी भी हवाले से जनूबी अजला की गैरत के हवाले से कुछ सोच रखते थे, तो ये है जनूबी अजला की वो गैरत, ये है वो सपूत जिसने अपनी धरती के साथ, इस मुल्क के साथ, अपने शहर के साथ और अपने लीडर इमरान खान के साथ जो वफा किया है, इसको सुनहरी अल्फाज से याद रखा जाएगा। और सलाम है मेरे लीडर को कि जितने भी हमारे लोग अभी तक अरेस्ट हुए हैं, लिस्ट बहुत बड़ी है, अगर किसी का पुरतक पाक इस्तकबाल किया जिसके ऊपर खुद उन्होंने गुलपाशी किया, तो ये वो कौम का बेटा है। मैं अली भाई, ईमान से मेरे पास अल्फाज नहीं है, आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ यू। ये पाकिस्तानियों, आज की नई यंग नस्ल, ही इज नॉट फ्रॉम एन ऑर्डनरी बैकग्राउंड, ही इज बीइंग ब्लेस्ड एनॉर्मसली, बट ही स्टूड लाइक अ रॉक, ही इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, ही हैज बिकम द प्राइड ऑफ आर पाकिस्तान, एंड इंशाल्लाह इंशाल्लाह इट विल गो अ लॉन्ग लॉन्ग वे। पख्तनों पर फख्र रोको, पर कदर रोको, पख्तनों तौसल अल्लाह पाक के दस रोर उसल मैं देर खड़े चेदे दे तौसल शबला ने चीटा खड़े दिचा मख के सर ने चीट खड़े दाडा शवे ने द नर पुनरा हक सर मर गर्तिया खड़े और इमरान खान को दस इस पयान बने फख्र गई मुँह पर फख्र कहू अल्लाह मुई मोहम्मद सलामत तरा अली भाई अल्लाह ने शबला भी चल मेरे पाकिस्तानियों। अमूमन हमने देखा है कि जब भी कोई सियासतदान पकड़ा जाता है तो वो बीमारियों के बहाने बनाते हैं कि मुझे हार्ट का मसला है, तो मुझे इसका मसला है, तो मुझे उसका मसला है। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी कि आईसीयू में तस्वीरें बनाई जाती हैं और बाकायदा ऑक्सीजन लगी होती है। ये खान का सिपाही मर्द मुजाहिद जो है, इसको भी तो बड़ी बहुत सारी चीज़ें ये इनिशिएट कर सकता था, ये भी कह सकता था कि मैं भी बीमार हूँ। इसको बाकायदा हॉस्पिटल की ऑफर की गई, सलाम है इसकी खैरत को कि इसने कहा कि मैं खान के सिपाहियों में अस्पताल में नहीं जाऊंगा, मैं इधर ही रहूंगा आम लोगों के बीच में, आम उन कैदियों के साथ ज़मीन पे सोता रहे, ये वो मर्द कलंदर है। और रही बात, इंशाल्लाह वक्त आएगा पूछेंगे रब्बे जुल जलाल के फजल से। ये तो मेरा भाई है, जनूबी असला बुनियाद है तरीके इंसाफ की और पाकिस्तान की, हर वर्कर जिसके साथ इन्होंने ज्यादती की है, इंशाल्लाह वक्त आएगा मेरे रब्बे जुल जलाल, और पतला देंगे रब्बे जुल जलाल के फजल से।